Welcome to ByLaw Academy. In today's lecture, I am going to discuss the other aspect of acceptance. I mean to say acceptance in what condition it is valid. ये हम लोग आज discuss कर रहे हैं. कल के lecture में, previous lecture में हम लोग ये बात कर रहे थे कि mode of acceptance क्या होना चाहिए. ठीक है, Indian Contract Act में मोड ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में क्या प्रोविजन दिया गया है, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. और व्हेन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, ठीक है, ये दो बातें प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी. आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सीक्वेंस से सीरियल वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और हम लोग सारे टॉपिक्स को इस लेक्चर सीरीज में कवर कर रहे हैं. ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि अगर आप सारे वीडियोस को क्रमबद्ध तरीके से देखते जाएंगे तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. इसके साथ साथ आप जब मैं लेक्चर यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ तो जब भी आप इस लेक्चर को सुनते हैं अपने साथ एक पेपर और पेन ज़रूर लेके बैठिए, और इसके साथ साथ आप बेयर एक्ट भी लेके बैठिए, ताकि ये एक तरीके से वर्चुअल क्लासरूम है. ठीक है, मैं जो टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ उन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उन क्वेश्चंस को रेफर करिएगा, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा. एक बार आप इन सारे टॉपिक को पढ़ लेंगे तो उसके बाद बहुत ही आसान तरीके से आप उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे. यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि एक्सेप्टेंस कब वैलिड होता है. ठीक है, देखिए एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होगा जब ऑफर लैप्स नहीं हुआ है. अगर ए बी को ऑफर कर रहा है, ठीक है, और बी को उस ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ए इज द ऑफरर, बी इज द एक्सेप्टर. क्लियर, ए क्या है, ए यहां पर प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति है, प्रस्थापक है, और बी क्या है, ग्रहण करने वाला, उस प्रस्ताव को ग्रहण करने वाला, ठीक है, व्यक्ति है. तो बी ए के ऑफर को केवल उसी समय तक एक्सेप्ट कर सकता है जब तक ए के द्वारा किया गया ऑफर लैप्स नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है. तो यहाँ पर यह क्वेश्चन उठता है कि इन व्हाट सरकमस्टेंसेस एन ऑफर में बी लैप्स्ड. ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कि किन स्थितियों में ऑफर जो है लैप्स हो जाता है. ठीक है, देखो फेल्योर पहली कंडीशन हम यहाँ पे बता रहे हैं, फेल्योर ऑफ कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द ऑफर वॉज मेड और नॉट बींग एक्सेप्टेड इन द मोड प्रिस्क्राइब. ये दो स्थितियाँ हैं, दो बातें यहाँ पर की जा रही हैं. फेल्योर ऑफ द कंडीशन प्रेसिडेंट, क्योंकि ऑफर जो है अगर वो किसी कंडीशन के साथ किया जा रहा है तो जब तक उस कंडीशन को परफॉर्म नहीं कर दिया जाता, फुलफिल नहीं कर दिया जाता, तब तक वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. ठीक है, और अगर उस कंडीशन को फुलफिल करने में जो एक्सेप्टर है वो फेल हो जाता है तो उस स्थिति में जो ऑफर है वो ऑफर लैप्स हो जाएगा, और जब ऑफर लैप्स हो जाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है. ठीक है, एक बात तो ये, और ये जो बात बोली गई है ये सेक्शन 6 क्लॉज 3 में बोली गई है, ये बात आपको याद रखना है. यानी कि फेल्योर ऑफ द कंडीशन प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सेक्शन क्लॉज 3 में बोला जा रहा है, और अगर कंडीशन प्रेसिडेंट फेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. राइट, अब दूसरी बात इसमें बोली गई है नॉट बींग एक्सेप्टेड इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड. ये कल हमने डिस्कस किया था, सेक्शन 7 के अंतर्गत बोला गया है कि एक्सेप्टेंस का मोड क्या होना चाहिए, किसी भी ऑफर को किस मैनर में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए. और इसमें दो बातें कल हम लोगों ने डिस्कस की थी कि जहां पर ऑफरर पर्टिकुलर कोई मोड प्रिस्क्राइब कर देता है वहां पर उस प्रिस्क्राइब्ड, उस निर्धारित तरीके से, उस निर्धारित समय के अंतर्गत, उस निर्धारित वे में वो ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए. ठीक है, और अगर कोई भी निर्धारित तरीका नहीं बताया जाता है तो ऑफर किसी रीजनेबल मोड में एक्सेप्ट
किया जा सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ए बी को ऑफर कर रहा है और ए बोलता है कि इस ऑफर का जो एक्सेप्टेंस है वो लेटर को पोस्ट करके ही किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर बी इज बाउंड टू रिप्लाई, बी इज बाउंड टू कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस थ्रू द लेटर पोस्टेड, राइट। अगर यहाँ पर बी किसी और तरीके से एक्सेप्टेंस करता है तो ऐसे एक्सेप्टेंस को वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफरर ने एक मोड प्रिस्क्राइब कर दिया है और उसी मोड के अनुसार जो ऑफर है वो एक्सेप्ट होना चाहिए, और ये बात सेक्शन 7 के अंतर्गत बोली गई है। और अगर उस प्रिस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्टेंस नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसा ऑफर लैप्स हो जाता है और ऐसा एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब दूसरी हम जो इसकी कंडीशन है, ठीक है, कि ऑफर किन स्थितियों में लैप्स हो जाएगा, एक तो हमने ये देख लिया, अब दूसरा आते हैं बाय नॉट बीइंग एक्सेप्टेड विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। सेक्शन 6 क्लॉज 2 में ये बताया गया है कि जहां पर एक निर्धारित समय के भीतर, ठीक है, विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, वहां पर उस टाइम के खत्म हो जाने के बाद ऑफर क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, ठीक है। प्रपोजल इज रिवोक्ड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन रीजनेबल टाइम और इफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड नॉट विद इन द टाइम, यानी कि या तो अगर टाइम निर्धारित किया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है, तो निर्धारित समय के भीतर होना चाहिए, और अगर कोई भी टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है तो रीजनेबल टाइम के अंतर्गत होना चाहिए। अगर वो रीजनेबल टाइम या प्रिस्क्राइब टाइम के अंतर्गत ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो ऐसा ऑफर लैप्स हो जाएगा और ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग बाय रिजेक्शन और काउंटर ऑफर। हमने प्रीवियस लेक्चर में हाइडी वर्सेस रेंच ये केस पढ़ा था, ठीक है। इसमें ये देखा था कि जो प्लेंटिफ है वो क्या करता है, डिफेंडेंट प्लेंटिफ को एक ऑफर करता है अपनी लैंड बेचने के लिए, और जो प्लेंटिफ है वो काउंटर ऑफर कर देता है कि नहीं, मैं इतने में नहीं खरीदूंगा, मैं इतने रुपए में खरीदूंगा, ठीक है। फिर बाद में जो डिफेंडेंट है वो क्या करता है, वो उसके ऑफर को जो काउंटर ऑफर किया है मानने से इनकार कर देता है। जब वो इनकार कर देता है तो प्लेंटिफ उन्हीं दामों में लैंड को खरीदने के लिए एग्री हो जाता है जो ओरिजिनली डिफेंडेंट के द्वारा किए गए थे, बाद में डिफेंडेंट मना कर देता है, ठीक है, बेचने से मना कर देता है जिसके लिए वो इनिशियली ऑफर कर रहा था। तो प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंटिफ सिविल सूट फाइल करता है। यहाँ पर कोर्ट ने डिसाइड किया कि जिस समय प्लेंटिफ ने, ठीक है, डिफेंडेंट के द्वारा किए गए ऑफर के अगेंस्ट एक काउंटर ऑफर कर दिया था, ठीक है, उसी समय डिफेंडेंट के द्वारा किया गया ऑफर लैप्स हो गया था, और बाद में जब प्लेंटिफ उस पहले वाले ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो ऐसे एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि सेक्शन 7 क्लॉज 2 ये बोलता है कि जो एक्सेप्टेंस है वो क्या होना चाहिए, वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन ऑफर कर रहा है कि मैं 1000 में लैंड बेचूंगा, आप उसको ऑफर काउंटर ऑफर कर देते हो कि नहीं, मैं 950 रुपये में खरीदने के लिए एग्री हूँ, तो यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये काउंटर ऑफर हुआ। तो जब काउंटर ऑफर कर दिया जाता है तो ऑफर जो ओरिजिनल ऑफर है वो लैप्स हो जाता है। तो इस तरीके से रिजेक्शन और काउंटर ऑफर के थ्रू कोई ऑफर लैप्स हो जाता है और उसका एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होता है। अब इसके बाद बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द ऑफरर, ए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ए ऑफरर है, बी को ऑफर करता है, ठीक है, और ऑफर करने के बाद ए मर जाता है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या होगा, ए ने जो ऑफर किया है, ठीक है, ये ऑफर लैप्स हो जाएगा बिकॉज ऑफरर हैज़ बीन डेड, या फिर ऑफरर
इंसेन हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में ऑफर लैप्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 6 क्लॉज 4 ये बताता है कि ये जो फैक्ट, कौन सा फैक्ट कि ऑफरर की डेथ हो गई है या ऑफरर इंसेन हो गया है, ये फैक्ट एक्सेप्टर की नॉलेज में उस ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, इफ़ द फैक्ट, ठीक है, ऑफ द डेथ ऑफ द ऑफरर हैज़ बीन कम इन टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल, ठीक है, ओनली इन दैट कंडीशन वो जो ऑफर होगा वो लैप्स होगा, अदरवाइज ऐसा ऑफर लैप्स नहीं होगा। ठीक है, ए ने बी को ऑफर किया, बी ने ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और जब बी ने ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद ए की डेथ हो गई, ठीक है, तो ये ऑफर लैप्स नहीं होगा। अब यहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ उसका परफॉर्म कौन करेगा, ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये जो ऑफर है यहाँ पर लैप्स नहीं होगा, फिर क्या होगा, ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उसको परफॉर्म करेंगे। लैप्स कब होगा, जब बी के द्वारा एक्सेप्ट करने से पहले ये सूचना बी को मिल जाती है कि जो ऑफरर है वो मर गया है, तो उस स्थिति में ये ऑफर लैप्स हो जाएगा। अब लास्ट इसका कंडीशन है बाय रिवोकेशन। ठीक है, सेक्शन 6 क्लॉज 1 बोल रहा है अ प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। अगर प्रपोजल, ठीक है, जो ऑफरर है वो उस ऑफर को रिवोक कर देता है और इस रिवोकेशन का कम्युनिकेशन, ठीक है, किसको करता है, रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कर देता है अदर पार्टी को, तो जब रिवोक कर लिया जाता है किसी भी ऑफर को तो ऐसा ऑफर फिर एक्सेप्ट नहीं हो जाता है। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, ये सेक्शन 4 के अंतर्गत प्रीवियस लेक्चर में हम पहले ही देख चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए। तो ये कंडीशंस हमने यहाँ पर सारी डिस्कस कर ली कि किन स्थितियों में ऑफर का जब एक्सेप्टेंस होता है वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाता है, इन कंडीशंस के अंतर्गत सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस कोई एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई भी इशू है वो आप डिस्कस करिए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में मुझसे संबंधित सारी डिटेल्स दी गई हैं, और आगे के लेक्चर्स में, आगे के वीडियो में मैं आपको किसी नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। आगे के टॉपिक्स हम सीरियल वाइज डिस्कस करते जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो सीरीज़ को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।